वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में। जी हाँ गाइस, जैसे कि आपको पता होगा ये स्टॉक जो है एक बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर हो चुका है। ऑलरेडी 28-27 के रुपए से लेकर अभी 50 रुपए तक आ चुका है और बेसिकली इन्होंने अपना डिविडेंड इशू कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ईमेल आ चुका है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनुअल रिपोर्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का इंक्लूडिंग द नोटिस ऑफ द 36th एनुअल जनरल मीटिंग। आपको पता है डिविडेंड का पेमेंट कब होता है, जब भी AGM हो जाता है, एनुअल जनरल मीटिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके अगले ही आपको डिविडेंड दिया जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कब डिविडेंड मिल रहा है, क्या मिल रहा है, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करते हैं शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन फ्राइडे, डेट इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो बाय 22 सितंबर, ठीक है, 2023 एट 3 PM यानी कि 3 बजे जो है इनकी मीटिंग होने वाली है। बाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो या अदर ऑडियो विजुअल मीन्स के जरिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का लोगो दिया हुआ है, बाकी वगैरह डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। मेन बात आती है डिविडेंड की, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैज रिकमेंडेड ए फाइनल डिविडेंड 0.70 यानी कि 70 पैसे का डिविडेंड ये कंपनी इशू कर रही है, जो कि बहुत ही बढ़िया है क्योंकि इसका जो प्राइस है गाइस वो बहुत ही कम है, सिर्फ 47-48 रुपीस पे अभी करंटली ट्रेड कर रहा है। उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया डिविडेंड है। इक्विटी शेयर हैविंग फेस वैल्यू जहां पे जिसका फेस वैल्यू 10 रुपए का होता है, जी गाइस बहुत ही बढ़िया है। फाइनल डिविडेंड इफ अप्रूव्ड, अगर ये अप्रूव हुआ ठीक है तो ही आपको मिलेगा, और कब मिलेगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो का मेन पर्पस यही है। बाय द शेयर होल्डर्स इन द इंश्योरिंग AGM विल बी पेड टू द एलिजिबल मेंबर्स विद इन 30 डेज ऑफ द AGM। जी गाइस एनुअल जनरल मीटिंग कब है, मैंने आपको बताया था 22 सितंबर को है, और यानी कि 22 अक्टूबर तक 30 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट मिल जाएगा। जी हाँ गाइस, यही मैं आपको बताना चाहता था। यहाँ पे बाकी सारी डिटेल्स आप देख सकते हो, यहाँ पे बताया गया है अगर 5000 से ऊपर का डिविडेंड आपका होता है तो उसमें TDS काटा जाएगा। कितना परसेंट काटा जाएगा भी मैं आपको बता देता हूँ, 10% आपका TDS काटा जाएगा। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे आप इसको मेंशन कर सकते हो, जहाँ पे आपका जो भी TDS कटेगा वो वापस रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लेकिन अमाउंट 5000 से ज़्यादा होगा तो ही TDS कटेगा, अगर 5000 से कम अमाउंट है डिविडेंड का तो आपको कोई TDS मतलब कुछ भी नहीं करना है, ऑटोमेटिकली बिना टैक्स कटे आपका पेमेंट जो है बैंक अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको बताता था, IRFC का ऑलरेडी ये मल्टीबैगर स्टॉक हो चुका है। डेफिनेटली अगर आपको पता होना चाहिए कि कौन से टाइम पे लेवल में एंट्री करना है, कौन से स्ट्रेटजीज फॉलो करनी है, तो डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, मैं अपना प्राइवेट सेशंस में आपके साथ शेयर करूंगा, वहाँ पे मैं अपने सारे डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा, कौन सी चीज़ें कैसे मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, कितना पैसा मेरा पोर्टफोलियो, मैं आपके साथ अपना पोर्टफोलियो शेयर करूंगा, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, आप अपने हिसाब से भी अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर पाएंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे रिटर्न्स भी मैं आपको गारंटी देता हूँ, कम से कम आपका 10% तो डेफिनेटली रिटर्न बनेगा, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, किसी वीडियो सबको मिलते रहे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं इसका रिप्लाई जरूर करूंगा।